क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो यार, हमने ना कुछ टाइम पहले एक बजाज के बैटरी वाले फैन की वीडियो डाली थी, एंड काफी लोग ना उसे सर्च कर रहे हैं कि मतलब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या फिर मतलब काफी लोगों को ना रिक्वायरमेंट है बैटरी फैन की। तो बजाज के ना एक और मॉडल आता है, ये टेबल फैन टाइप है। जैसे वो वाला तो है ना, वो ये वाला पंखा है, ये भी टेबल पे भी रख सकते हो और इसमें क्लिप ऑन भी कर सकते हो। तो इससे थोड़ा हटके और इससे थोड़ा बड़ा फैन, जैसे इसकी बैटरी शायद 1600 mAh के आसपास है, इसकी बैटरी 2400 mAh है। तो भाई एक बारी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपको जो बॉक्स पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि 4 hours का बैटरी बैकअप है, हाई स्पीड फैन है और USB चार्जिंग, LED लाइट। तो इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। एक बारी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर मिल जाता है। तो ये रहा पंखा, बाकी इसके अंदर कुछ देखने को मिल जाता है। इसका वारंटी कार्ड है और एक USB केबल आप बोल सकते हो। एक तरफ से माइक्रो USB है और आप किसी भी अडैप्टर के अंदर प्लग कर सकते हो। आपको कोई भी इसके साथ अडैप्टर नहीं मिलता है, तो भाई आपको थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा, अपने अडैप्टर को फ्री रखना पड़ेगा इसके लिए, चार्जिंग के लिए। इसमें आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिल जाता है, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि कौन सा बटन किस चीज़ के लिए काम आएगा, ये सब आप पढ़ लेना। जो इसमें टेक्निकल डेटा जो दे रखा है ना, वो ये है कि इसमें जो ब्लेड है वो आपको 7 inch का मिलता है, जो कि इससे काफ़ी बड़ा ही है, और इसमें शायद 3 inch के आसपास है। और इसमें जो बैटरी है वो 2400 mAh है। जो आपको चार्जिंग के लिए जो सॉकेट यूज़ करना है, वो माइक्रो USB है 5W का। चार्जिंग जो टाइम है वो 4 से 6 घंटे, वो डिपेंड करेगा आपके अडेप्टर पर भी। फिर आपको जो इसमें वर्किंग टाइम देखने को मिलता है ना, लाइक जो सबका डाउट ये रहेगा कि भाई बैटरी तो है लेकिन ये चलेगा कितना, तो वही इसमें बता रखा है कि हाई स्पीड पर चलाओगे तो सबसे हाई स्पीड होती है, तो 2 घंटे चलने वाला है बस। फिर मीडियम पर चलाओगे तो 3 घंटे, एंड लो स्पीड पर चलाओगे तो 4 घंटे, तो मतलब मैक्सिमम 4 घंटे ही है। तो भाई इसकी ये रही USB। और अब देखते हैं फ़ैन के बारे में, तो एक बार पास से दिखा दो। तो ये रहा भाई फ़ैन, एग्जैक्टली दिखता कैसा है। तो यार एकदम ना मस्त वाइट कलर का, बहुत बढ़िया क्लासी लुक तो है इसकी, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। एंड यहाँ पर ना आप देख सकते हो कि 2 बटन दे रखे हैं, तो ये वाला ना LED के लिए है। तो भाई यहाँ पे मस्त LED जल गई है, इसके ऊपर पन्नी भी लगी हुई है, काफ़ी बढ़िया है। तो पन्नी को लगा देते हैं अभी वापसी। एंड यहाँ पर आप 2 बटन से इसको मतलब 2 मोड्स हैं LED के, एक लाइट है और थोड़ा सा डार्क है। तो लाइट तो काफ़ी वो है कि जैसे बिल्कुल अंधेरे में यूज़ करने के लिए, और यहाँ पर फ़ैन भी है, तो आप लाइट और फ़ैन दोनों यूज़ कर सकते हो भाई साथ में, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने फ़ैन का बटन प्रेस करा, तो यहाँ पर फ़ैन के ऊपर ना ब्लू टाइप की लाइट जलने लग गई है। फिर जैसे एक और बार प्रेस करा तो ग्रीन जलने लग गई, एंड एक और बार करा तो ये इसकी टॉप स्पीड हो गई है। एक बारी भाई यहाँ पे पन्नी रखी हुई है, देखते हैं कि इसको कैसी हवा लग रही है। भाई उड़ तो नहीं रही है, तो मतलब डिसेंट सी हवा है, फेस के लिए तो काफ़ी अच्छी है। और अब इसको ऑफ कर दिया, आप देख सकते हो कि थोड़ा सा दूर तक इसका इफेक्ट है, लाइक इसके बीच में अभी 1.5-2 feet का डिस्टेंस है, एंड 1 speed पर काफ़ी अच्छा इफेक्टिव है ये। फिर इसको अब 2nd speed पे कर दिया और 3rd पर भी, तो मतलब काफ़ी डिसेंट सी इफेक्टिवनेस है इसकी। अब एक बारी ना इसको चार्जिंग करके और चेक कर लेते हैं कि चार्जिंग करते टाइम क्या मतलब इंडिकेशन होता है, क्योंकि ना काफ़ी लोगों का ये इंडिकेशन का वो रहता है डाउट कि अगर हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो कुछ इंडिकेशन होगा या नहीं। तो भाई एक बारी पास से दिखाओ कि यहाँ पर ना ऑरेंज कलर की लाइट जलने लग गई है, ऑफ कर देते हैं एक बारी। यहाँ पर जैसे ही हमने इसको चार्जिंग ऑन कर दिया ना, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइट जल रही है, तो ये काफ़ी सही बात है कि भाई इंडिकेट कर रहा है। और जैसे ही ये फुल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट जलने लग जाएगी। ये वारंटी कार्ड तो है इसके साथ, 1 साल की वारंटी है। मेन है ये भाई बजाज का प्रोडक्ट है, कोई लोकल ब्रांड तो नहीं है, एंड आपको ऑल ओवर इंडिया इसकी वारंटी मिलने वाली है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अब इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, और एक इसके नेगेटिव पॉइंट जो आप लोगों को लग सकता है, तो ये कि बैटरी का लिमिटेशन तो ऑब्वियसली रहेगा इसके साथ, कि बैटरी कभी भी ख़त्म हो सकती है या कुछ। बट आपको ये है कि प्लग इन करके जितना मर्जी यूज़ कर सकते हो कॉन्टीन्यूसली, तो बैटरी का अगर ख़त्म भी हो जाती है तो ये उसे कभी भी पावर के साथ प्लग करो और यूज़ करो। फिर जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट लगेगा ना लोगों को, कि भाई ये प्रॉपर वाइट कलर में ही आता है, इसमें कोई भी कलर ऑप्शन नहीं है, तो ये गंदा बहुत जल्दी होने वाला है। तो यार ये नेगेटिव पॉइंट तो रहेगा, तो बट आप रेगुलरली अगर इसको क्लीन करते रहोगे ना, एक थोड़ा सा मैटी टाइप का फिनिश है, तो इजीली साफ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड हाँ भाई, इसको गीला तो मत ही करना, क्योंकि एक तो बैटरी से ऑपरेटेड है और वैसे भी इलेक्ट्रिकल मतलब पार्ट है, तो फिर वैसे भी गीला करने का तो कोई बनता नहीं है। तो अब इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो जो इसका प्राइस है ना, वो 1600 से 1700 के बीच में आपको ऑनलाइन परचेज करने को मिल जाएगा,
और हो सकता है लोकल मार्केट में 1400-1500-1600 तक का आपको मिल जाएगा, बट ऑनलाइन जो प्राइसिंग है वो 1600-1700 है। एंड अगर आप देखे जाए तो कि मतलब सफिशियंट है। और दूसरी बात, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पीछे इसको चार्जिंग करने के लिए सॉकेट का ऑप्शन दे रखा है, 5 वॉट लिखा भी हुआ है। एंड ये एडजस्टेबल है, लाइक आपको ना एक टेबल पे आपने रख दिया बट आपको डायरेक्टली यहाँ पर हवा फेस पे तो मिल रही है, बट आप अगर खड़े हुए हो तो आप इसको ना ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है भाई, ऑलमोस्ट भाई 180 कह सकते हो आप, मतलब 180 से ज़्यादा ही है, तो काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल है। अगर आप टेबल पे रख दोगे तो काफ़ी ज़्यादा एडजस्टिंग करके आप इसकी हवा का मज़ा ले सकते हो। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। एंड सामने ये वाला पंखा भी है, अभी आप देख सकते हो, ये दोनों ही पंखे हम ना रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं अपने लिए, तो कभी ये वाला कभी ये वाला, दोनों ही अपनी जगह सही है, बट थोड़ा सा ना ज़्यादा साइलेंटली ऑपरेट करता है ये वाला, क्योंकि इसकी ना फ़ैन की स्पीड थोड़ी सी आप कह सकते हो कम है, बट एरिया ज़्यादा अच्छा कवर कर लेता है क्योंकि फ़ैन ब्लेड अच्छा है, बट साइलेंटली बहुत अच्छे से ऑपरेट करता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन।